वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इसको डिस्कस करेंगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ये इक्वेशन गिवन है, क्या करेंगे इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है कि एक्स स्क्वायर टर्म हो, देन एक्स टर्म हो, देन कॉन्स्टेंट टर्म हो। तो ये जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना लेके आते हैं। इसको लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर टर्म। जो एक्स स्क्वायर टर्म है वो पहले ही रहने दो, ठीक है। फिर नेगेटिव सिक्स एक्स इधर है लेफ्ट पर, इसको इधर ही रहने देते हैं। और ये एक्स टर्म को यहाँ पर ले आएंगे राइट से लेफ्ट साइड पर। ये राइट से लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर आके नेगेटिव एक्स हो जाएगा। नेगेटिव सिक्स एक्स और नेगेटिव एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, करना हमने प्लस है। सिक्स एक्स और एक्स को करेंगे तो सेवन एक्स आ जाएगा, और साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का आता है, ठीक है। और ट्वेंटी भी इस साइड पर आके इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो जीरो रह गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अरेंज किया है कि इस टर्म को भी यहाँ पे ला के सॉल्व कर लिया, और ये कॉन्स्टेंट टर्म भी यहाँ पर ले आए। अब हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री है, बी की नेगेटिव सेवन और सी की क्या है, नेगेटिव ट्वेंटी है। ए की कौन सी वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर टर्म है ना उसका जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव सेवन वो बी की वैल्यू है, और जो यहाँ पर ये टर्म है कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू। अब देखना ये है कि फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस इक्वेशन की। तो हमने इस तरह से चेक करना होता है। इसके बाद ना आपने यहाँ पर देखना है कि फैक्टराइजेशन इस इक्वेशन की, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हुई है। फैक्टराइजेशन में हम ये करते हैं, फर्स्ट टर्म राइट कर लेते हैं, लास्ट टर्म राइट कर लेते हैं, सेंटर में नेगेटिव सेवन एक्स है। इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पर नेगेटिव सेवन एक्स की जगह यहाँ पर टू टर्म्स लेनी है कि जिनको हम सॉल्व करें। तो हमारे पास नेगेटिव सेवन एक्स आए, इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आए जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मीन्स नेगेटिव सिक्सटी एक्स स्क्वायर चाहिए हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने पर। तो अगर हम नेगेटिव ट्वेल्व और फाइव ले लेते हैं, 12 और 5 ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाओ तो 60 भी आता है, और उन्हीं को वो सॉल्व भी करो तो 7 भी आता है, ठीक है। अब साइंस का किसे पता चलेगा, आपने ये करना है कि जो बिगर टर्म है वो पहले राइट कर लो, जो स्मॉलर है वो बाद में। तो आपने माइंड में रखना है कि जो बड़ी टर्म है वो पहले लिख लो, छोटी बाद में राइट कर लो, ठीक है। और जो इसके साथ साइन है ना वो पहले राइट कर लो इधर, और बाद में इधर देख लो कि आपके पास इधर प्लस आना है माइनस आना है। अगर आप माइनस लेते हो तो वो तो 12 और 5 को प्लस करने से हमारे पास आ जाता है 17, हमें तो 7 चाहिए। इसका मतलब है यहाँ तो माइनस ही लेना है, तो फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो 12x में से 5x को माइनस करोगे तो नेगेटिव 7x भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करवाने पे नेगेटिव 60x स्क्वायर चाहिए था वो भी आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट टर्म वैसे ही राइट कर लो, लास्ट टर्म वैसे ही राइट कर लो, टू टर्म्स मिडल में ऐसी लेनी है कि जिनको सॉल्व करो तो ये आए, सेंटर टर्म आए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो आए जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इनको जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो पहले राइट कर लो साइड पर, इससे काफ़ी सारा काम ना भी करो, ठीक है, बस साइड पे इनको मल्टीप्लाई करवा के राइट कर लो कि नेगेटिव 60x स्क्वायर आपको चाहिए मल्टीप्लाई करवाने पे। तो हमारे पास ये ठीक है। फिर क्या करो कि इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ रहा है, बिकॉज ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 3x कॉमन ले लिया, x रह गया माइनस 3 कितने टाइम 12 और 4 टाइम x को कॉमन ही आ गया, प्लस 5 और 5 कॉमन, x रह गया माइनस 5 कितने टाइम 20 है 4 टाइम इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाना है कि इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो वन ब्रैकेट में राइट कर देना, ये दोनों सेम है तो वन टाइम राइट कर देना, और इन दोनों का सेम होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। सेम हुआ तो अगेन चेक करोगे, सेम आ गया है, ठीक है, साइन भी सेम है तो वन टाइम राइट कर लोगे, इन दोनों को ज्वाइन करके राइट कर लिया, दोनों इक्वल टू जीरो है तो सेपरेट सेपरेट दोनों को जीरो के इक्वल राइट कर देंगे। एक्स माइनस फोर भी जो है इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और थ्री एक्स प्लस फाइव भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स यहीं पर रह गया और नेगेटिव फोर राइट साइड पे गया तो पॉजिटिव फोर हो गया, तो एक्स इक्वल टू फोर होगा, और यहाँ पर थ्री एक्स यहीं पर रहा, पॉजिटिव फाइव उधर जाके राइट साइड पे नेगेटिव फाइव हो गया, ऐसे यहाँ पर देखो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक एक्स इक्वल टू फोर आ गया और इधर नेगेटिव फाइव उधर चला गया, और बाद में एक और दफ़ा सॉल्व हो जाना, बिकॉज एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स इधर ही रहेगा, थ्री इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, नेगेटिव फाइव बाई थ्री आंसर और एक फोर है। आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट द सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट में इसको राइट कर लो
और आपके पास आंसर आ गया। अगेन देख लो कि क्या करना है, पहले अरेंज, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर फैक्टराइजेशन कर देनी है, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है फैक्टराइजेशन पे, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक।